आपने अभी एक चीज का जिक्र किया, आपने कहा कि कुछ नाराजगी है। हाँ है। मैं उपलब्धियों पर आऊं, पहले अगर आत्ममंथन आप करना चाहें, आप बताना चाहें क्या नाराजगी आपको लगता नाराजगी है? नाराजगी तो सिर्फ ज्यादा इकोनॉमिक्स पर है, वो जो संचालन फाइनेंस मिनिस्ट्री का वो है, वो उससे सबको दुख हुआ है, हम लोगों को भी दुख हुआ है। थोड़ी और रोशनी डालेंगे? हाँ, थोड़ी और रोशनी डालेंगे। नहीं, मतलब आप कह रहे हैं कि जैसे टैक्सेस को बढ़ाए गए, फिर ये GST, इस सब में इतना कागज का काम करा दिया। नोटबंदी कल्पना अच्छी थी, परंतु कोई तैयारी फाइनेंस मिनिस्ट्री से नहीं थी, जो नए नोट्स को छापना चाहिए था एडवांस में, वो नहीं किया। और इंटरेस्ट रेट्स जो ब्याज के जो दर्ज हैं, दर्जा वो बढ़ते गया। उसके लिए रघुराम राजन को हटाने के लिए मुझे बहुत प्रयास करना पड़ा। और फिर अरविंद सुब्रमण्यम तो पहले से मोदी के विरोधी थे, उन्होंने लेख भी लिखा था हमारे इकोनॉमिक एडवाइज़र बनने के पहले। और वो जो ड्रग कंपनी का वो काम करते हैं अमेरिका में, जो एक इंस्टीट्यूट है पैटरसन इंस्टीट्यूट, वहाँ रिसर्च स्कॉलर थे, वो ड्रग कंपनी का है जो दवाई हमारे देश में बेचने चाहता है, तो ज़्यादातर उसकी दिमाग उसी में चल रही थी। तो ऐसे लोगों के कारण, और जेटली को तो इकोनॉमिक्स पता ही नहीं है, तो इसीलिए इस हालत हुई है। अरुण जेटली से इस अति प्रेम की वजह कुछ? मेरा कोई प्रेम नहीं है, मैं उसको जानता भी नहीं हूँ, इतना है कि प्रेम का तो सवाल ही नहीं है। नहीं, आपका ये प्रेम कई बार छलका है। मैं नहीं, प्रेम आपका प्रेम से मुझे संदेह होता है, तुम्हारे अखबार वालों का प्रेम से नहीं। सर, मतलब मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, आपने कहा कि इकोनॉमिक्स की उनको जानकारी नहीं, लेकिन वो वित्त मंत्री हैं। तो क्या करूँ, ऐसे वित्त मंत्री पहले भी हुए हैं। चिदंबरम को भी इकोनॉमिक्स पता नहीं है, वो भी वित्त मंत्री थे। हमारे देश में कोई इकोनॉमिक्स जानने वाला वित्त मंत्री था तो वो मनमोहन सिंह था। ऐसा क्यों है सर? मतलब मैं बहुत कैंडिडली आपको एक बात कहता हूँ। मैं भी कैंडिडली जवाब जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बेबाकी का तो मैं वैसे ही कायल हूँ सर। मैं बड़ी बेबाकी से एक बात कहता हूँ, बीजेपी में मेरे ख्याल से आप इकलौते ऐसे नेता हैं, सांसद हैं, जो अपनी लाइन खुद तय करते हैं, पार्टी की लाइन नहीं टो करते। उसके आप ये कहते हैं वित्त मंत्री अरुण जेटली इकोनॉमिक्स नहीं जानते हैं, आपने कहा कि माल्या मिलकर गया जेटली से, आपने ये भी कहा कि चिदंबरम और इन लोगों पर कार्रवाई नहीं हो रही जेटली की वजह से, जेटली आपने बहुत कुछ कहा उनके बारे में, फिर भी आप पर कार्रवाई नहीं होती। नहीं, क्योंकि पार्टी लाइन नहीं है ये, आप लोग पता नहीं वो इंदिरा गांधी के ज़माने से आज भी उस बीमारी में फंसे हुए हैं कि कोई भी कुछ नेता के बिना बोल देगा तो फिर वो पार्टी के लाइन के विरुद्ध में। हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, उसको मानना चाहिए, और जो तथ्य पर आधारित बातें हैं, भले पार्टी के कई लोगों को पसंद ना आए, परंतु वो पार्टी का विरोध नहीं होता है।